संस्थान दरभंगा। आई विल टीच मैथमेटिक्स फॉर क्लास यूकेजी। टुडे आई विल टीच चैप्टर 10। माय चैप्टर 10 नेम इज शेप्स। ओके, तो फर्स्ट व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ शेप एंड व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ शेप। एस एच ए पी ई शेप। शेप मींस आकार। बच्चों हर एक चीज हर एक वस्तु का एक अपना शेप होता है, उसकी आकार होती है, आकृति होता है, रूप होता है, शक्ल होता है। जैसे आपके शरीर का, आपके हाथ का, आपके हाथ का, आपके पैर का आकार आकृति अलग होता है, शेप अलग होता है। किसी वस्तु जैसे बुक का ले लेते हैं, बैग का ले लेते हैं या टेबल का लेते हैं, हर एक वस्तु का आकार और आकृति और शेप होता है। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन सम एग्जांपल्स। आकार में भी हर एक चीज का आकार होता है और हर किसी का आकार अलग अलग होता है। तो हम लोग यहाँ कुछ आकार की चर्चा करेंगे। सो सी आई आर सी एल ई सर्कल। फर्स्ट क्या है? सर्कल। अब हम लोग सोचेंगे सर्कल क्या है, सर्कल किस चीज को बोलते हैं, कैसा आकार होता है उसका। सो लुक एट द पिक्चर, दिस इज अ सर्कल। क्या है ये? सर्कल। सर्कल आपको सर्कल देखने में सर्कल कैसा दिख रहा है? गोल सा। इसके आकार कैसा है? गोल। तो गोल क्या होता है? सन। सन आपका सर्कल शेप में आता है। और क्या आएगा? बॉल। बॉल आपका क्या आ जाएगा? सर्कल शेप में। ओके, सो मैं एक ऑब्जेक्ट आपको बताती हूँ। एस यू एन सन का शेप कैसा आता है? सर्कल। ओके, सी आई आर सी एल ई सर्कल। ओके चिल्ड्रंस, अब ये चीज और ध्यान से देखिए। सर्कल हैज नो साइड। सर्कल के पास अपना कोई साइड नहीं होता है। साइड का मतलब होता है किनारा, किनारा होता है। सर्कल में गोल घूम गया, इसमें कोई किनारा है नहीं, राउंड राउंड से घूमता था। सो सर्कल हैज नो साइड। नेक्स्ट, दिस इज अ ट्रायंगुलर। व्हाट इज द स्पेलिंग? टी आर आई ए एन जी एल ई ट्रायंगल। अब ट्रायंगल, तो ट्रायंगल क्या है, कैसा दिखता है? आप लोग समोसा खाते हैं जिसके तीन किनारे होते हैं, समोसा खाते हैं, समोसा का तीन किनारा होता है। वैसे ही बर्थडे केक होता है, उसके भी तीन किनारे होते हैं, वो भी ट्रायंगल शेप में होता है। ओके, सो ट्रायंगल शेप समोसा, एस ए एम ओ एस ए समोसा। ओके, सो अब एक चीज और ध्यान से देखिए। ट्रायंगल जो शेप है, इसके हाउ मेनी साइड्स? वन टू एंड थ्री। इसके तीन किनारे हैं, तीन भुजाएं हैं इसकी, वन टू एंड थ्री। सो ट्रायंगल हैज थ्री साइड। ट्रायंगल हैज थ्री साइड। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर एंड केयरफुली। इस तरह की दो दस पिक्चर आपके पास आएगी जिसमें आपको डिफरेंट करना होगा। अब आप सोच सकते हैं किस चीज की वस्तु है, क्या है, कौन, किसका सा शेप है। इस शेप को बोलते हैं स्क्वायर, एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर। ओके, जिसका लेंथ ब्रेथ सब एक जैसा हो। जैसे अगर तीन सेंटीमीटर ये है, तीन सेंटीमीटर ये रहेगा, तीन सेंटीमीटर ये रहेगा, तीन सेंटीमीटर ये रहेगा। जैसे लंबाई चौड़ाई सब एक जैसे एक समान हो। अब हम सोचेंगे ऐसी कौन सी वस्तु है जो हम एग्जांपल में स्क्वायर में दे बोल सकते हैं। तो आप लोगों ने अपने घर में वॉल क्लॉक देखा होगा, वो भी आपका स्क्वायर शेप में आता है। तो हम लोग यहाँ पर वॉच लिख देते हैं, ठीक है। सो अब एक चीज और ध्यान से सुनिए, स्क्वायर के कितने साइड, हाउ मेनी साइड इन स्क्वायर। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ट्रायंगल में हमने तीन साइड दिखाया, सर्कल में नो साइड, बट स्क्वायर हैज फोर साइड, वन टू थ्री एंड फोर। इसके चार किनारे दिख रहे हैं आपको। ओके, नेक्स्ट फॉर दिस इज अ रेक्टेंगल। ओके, यह किसका शेप है? रेक्टेंगल, आर ई सी टी ए एन जी एल ई रेक्टेंगल, आर ई सी टी ए एन जी एल ई, आर ई सी टी ए एन जी एल ई रेक्टेंगल। अब आप लोग सोचेंगे कि रेक्टेंगल
में है। तो हम लोग अपने घर में टेलीविजन देखते हैं, तो टेलीविजन का शेप कैसा होता है? रेक्टेंगल की जैसा। सो ऑब्जेक्ट्स TELEVISION टेलीविजन, ओके। अब आप लोग को एक और चीज बता दूं, रेक्टेंगल के कितने साइड होते हैं आप लोग खुद ही ध्यान से देखिए। 1, 2, 3 and 4 रेक्टेंगल है, 4 साइड एंड 5 दिस इज अ ओवल। यह क्या है? ओवल। ये आपका ओवल है। अब आप लोग सोचेंगे कि ओवल शेप कैसा है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो ओवल शेप में दिखता है? तो हम लोग एक खाते हैं, एक का शेप कैसा होता है? ओवल। सो एग्जांपल एग, बट ओवल हैज नो साइड, क्योंकि यहाँ सर्कल में भी कोई साइड नहीं है, ओवल में भी कोई साइड नहीं है। बट ट्रायंगल हैज 3 साइड, स्क्वायर हैज 4 साइड, रेक्टेंगल हैज 4 साइड। ओके चिल्ड्रंस, कंप्लीट दिस चैप्टर 10, रिवाइज एट योर होम। थैंक यू।